डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम विनका के बारे में पढ़ेंगे। विनका क्या होता है और इससे रिलेटेड कॉम्पिटेटिव और यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो चीज पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने फार्माकोग्नोसिस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स और भी अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वो वीडियो जरूर देखें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने पेस्ट किया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करके वो सारी चीज देख सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के भी मैंने वीडियोज के प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वो डिजायर्ड सब्जेक्ट देखें, चुने और उसको क्लिक करें और अपना वीडियो देखें। तो उसका विनका का जैसा आपको पता है कि दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं पेरीविंकल। पेरीविंकल का कैसा नेचर होता है, बेसिकली ये वाला प्लांट जो आपके घर में भी देखा होगा, ये फार्माकोग्नोसी का एक छोटा सा टॉपिक है। फार्माकोग्नोसी, दैट इज फार्माकोग्नोसी सेमेस्टर, कौन सी बात कर रहे हैं, फिफ्थ की बात कर रहे हैं। एक यूनिट है, दैट इज यूनिट सेकेंड। वो क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, केमिस्ट्री, केमिकल क्लासेस, बायो सोर्सेस, थेरापेटिक यूजेस एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में किसके हैं फ्रेंड्स? पहला इसमें कैटेगरी है एल्कलॉइड का। एल्कलॉइड की पहला जो ड्रग आता है दैट इज विनका। तो आज अपन विनका के बारे में पढ़ेंगे, बाकी रिमेनिंग के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो विनका आज अपन शुरुआत करते हैं। तो विनका में इससे रिलेटेड आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम एज वेल जीपेट, जी डीसीओ, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इन सभी से रिलेटेड कौन कौन सी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं बीच बीच में क्वेश्चंस बताता जाऊंगा, तो आप उनको भी नोट डाउन करते चले जाइए। ठीक है, पहली बात करते हैं। जैसा आपको पता है विनका को हम पेरीविंकल बोलते हैं, और यहाँ पे आप अपन सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स देखिएगा, ड्राइड होल प्लांट ऑफ कैथेरेंथस रोजियस एंड विनका रोजिया। मतलब इसके दो नाम है, कैथेरेंथस रोजियस एंड विनका रोजिया है। और दूसरी चीज, होल प्लांट आपको इसको यूज करते हैं एज ए ड्रग, एज ए ड्रग। और इसकी जो फैमिली होती है वो एपोसाइनेसी फैमिली है। इसके जो फ्लावर का जो कलर होता है फ्रेंड्स, वो व्हाइट कलर होता है पहला। दूसरा यहाँ पे इसको रेड पिंक बोलेंगे, रेड पिंक हो गया। दूसरा ये हो गया वायलेट कलर का। तीसरा हो, नेक्स्ट हो गया ये पिंक कलर हो गया। और इस तरह से यहाँ पे जो इस तरह की जो नेचर के फ्लावर्स होते हैं, मतलब यहाँ पे पांच पेटल्स, 1 2 3 4 5 पेटल्स होते हैं, बीच में इस तरह की जो शेप बनी होती है, उस फैमिली को हम एपोसाइनेसी बोलते हैं। आपको इन सभी में ऐसा ही दिख रहा है जो फ्लावर का नेचर है इस तरह, इसलिए इसको हम एपोसाइनेसी फैमिली में इसको रखते हैं। ओके, अब अपन आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसको ड्राइड होल प्लांट एज ए ड्रग यूज करते हैं। स्पेशली स्पेशली कौन सी बात कर रहे हैं, एल्कलाइन पीएच इसकी रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए इसका एल्कलाइन पीएच होना जरूरी है, तब वो अच्छा होगा। इंडिजिनस है टू मदगास्कर, जहां वहां पे इसको पहले किया जाता था। और ये जिसको अपन घर में बोलते हैं, इसको आपको पता होगा, इसको बोलते हैं सदाबहार जो पौधा होता है, वो सदाबहार पौधा विनका का होता है इस तरह से, और ये वाला होता है। ओके, बात करते हैं आगे इसके करैक्टरिस्टिक्स की। करैक्टरिस्टिक्स में लीफ की बात करेंगे तो लीफ देखेंगे आपको, इसका ग्रीन होता है, ओवियट होता है, पीटियोलेट होता है, यूनिकोस्टेट होता है, रेटिकुलेट होता है। इनका मतलब क्या होता है, बटोबियस ग्रीन कलर की होती है और ओवल शेप की होती है, इसलिए इसको हम ओवियट बोलते हैं। ये ओवल शेप की होती है इसलिए ओवियट बोलते हैं। और उसके बाद में ये जिस तरह की जो डंठल होता है, ये जिस तरह का जो डंठल बना होता है, इस डंठल को हम बोलते हैं पीटियोलेट। ओके, क्यों? क्योंकि इसको पीटियोल बोलते हैं, इसलिए इसको पत्ती को हम पीटियोलेट बोलते हैं। यूनिकोस्टेट हम किसको बोलते हैं, कि वन प्रोमिनेंट मिड्री बोलती है, मींस
इसमें जो रिब होती है ये एक प्रोमिनेंट होती है, इसलिए इसको एक मिड यूनिकोस्टेट बोलते हैं। एक ही रिब होती है, दूसरा रेटिकुलेट होता है। रेटिकुलेट का मतलब इंटरकनेक्टेड वेन्स टू फॉर्म वेब लाइक नेटवर्क। इसमें देखिएगा आप लोग, इसकी पत्ती देखेंगे तो इसमें वेब लाइक, यहाँ पे वेब लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं रेटिकुलेट। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रीन होता है, ओवेट होता है, पेटियोलेट होता है, यूनिकोस्टेट होता है एंड रेटिकुलेट होता है। अब अपन बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट्स की, दैट इज यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स। मींस यहाँ पे ट्राइकोम्स जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। अपन विनका रोजिया की लीफ की बात करें तो यहाँ पे देखना, इस पार्ट को अपन जूम कर रहे हैं, जूम करेंगे तो यहाँ पे देखना हेयर्स पार्ट होता है, ये हेयर्स है डिफरेंट डिफरेंट, इस हेयर्स को अपन देखते हैं तो ये दैट इज यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं। ये जी पेट में क्वेश्चन आया हुआ है। ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, और क्रूसीफेरस स्टोमेटा नेचर के होते हैं, ओनली एट लोअर एपिडर्मिस, मतलब पत्ती के नीचे की साइड में, ऊपरी साइड पे स्टोमेटा नहीं होते। क्रूसीफेरस कैसे होते हैं आपको शायद पता होगा, तो मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूं। ये हो गया टीएस ऑफ लीफ, तो आप देखेंगे सबसे ऊपर जो होगा वो दैट इज एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ऊपर आपको पता होना चाहिए ये वाली जो पार्ट, एक लेयर बनी होती है उसको क्यूटिकल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी ऊपरी पार्ट है तो क्यूटिकल तो होगा ही होगा। ये जो लंबी लंबी सेल्स होती है, इस तरह की जो सेल्स होती है उनको अपन पैलिसेड टिश्यू बोलते हैं, और जो एयर वाली जो सेल्स होती है इस बीच बीच में दागी होती है उसको अपन पेरेन्काइमा सेल्स बोलते हैं, या स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। लोअर एपिडर्मिस आ गया, लोअर एपिडर्मिस पे भी आपको क्यूटिकल देखने को मिलेगा बट थिकनेस कम होगा। नेक्स्ट आता है इसको अपन कवरिंग ट्राइकोम बोलते हैं, जैसा कि अभी अपन ने देखा था कवरिंग ट्राइकोम हो गया दैट इज यूनिसेलुलर, और इस तरह से ये इसका स्पेसिफिक करैक्टर हो गया। ये वाला जो पैक फॉर्म हो रहता है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला, इसको हम बोलते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के ऊपर की तरफ होता है फ्लोएम एंड जाइलम, दैट इज द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर बंडल, एंड इसके ऊपर होता है कॉर्टिकल पेरेन्काइमा। इस तरह से अगेन ये क्या हो गया आपका कवरिंग ट्राइकोम। ओके, ये इस तरह से आपका टीएस हो गया, सबसे ऊपर की तरफ कोलेनकाइमा होता है, ये जस्ट नीचे किसके एपिडर्मिस के नीचे, और कॉर्टिकल पेरेन्काइमा के ऊपर वेस्कुलर बंडल सीथ के जस्ट ऊपर की साइड में, ये वाला पार्ट हो गया कौन सा आपका कोलेनकाइमा। ओके, तो कोलेनकाइमा इसके ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों तरफ होते हैं। क्लियर, ये हो गया आपका टीएस का पार्ट। बात करते हैं नेक्स्ट, जैसा कि इसका क्रूसीफेरस स्टोमेटा था एट लोअर एपिडर्मिस, तो देखिएगा इसका नेचर कैसा होता है। ये विंका रोजिया की क्रूसीफेरस स्टोमेटा होते हैं, जहां पे जो स्टोमेटा होता है ये वाला पार्ट, हम इसको बोलते हैं इसकी कवरिंग सेल्स बोलते हैं। ये सेल इसकी कवरिंग सेल हो गई, इसकी गार्ड सेल बोलते हैं, इनको अपन गार्ड सेल बोलते हैं, गार्ड, और इनके बाहर वाली सेल्स को अपन कवरिंग सेल बोलते हैं। ओके, इसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल्स एबसेंट होते हैं। कीप इन माइंड क्वेश्चन आया हुआ है और क्रूसीफेरस पे भी आया हुआ है। इसकी रूट जनरली पेल ग्रीन नेचर की होती है। अब अपन बात करते हैं जनरल जो स्टोमेटा होते वो किस तरह के होते हैं। टाइप वन होता है, मतलब टाइप ए, दैट इज रेनल कुलेसियसेस, उनको एनोमोसाइटिक भी बोलते हैं। एनोमोसाइटिक का मतलब होता है इररेगुलर सेल्स होती है, उनको अपन एनोमोसाइटिक बोलते हैं। दूसरा बी टाइप का हो गया, बी टाइप हमारा दैट इज क्रूसीफेरस, दैट इज एनिसोसाइटिक। एनिसोसाइटिक का मतलब होता है अनइक्वल सेल्स, जो विनका रोजिया में मिलता है, जो विनका रोजिया में मिलता है। फिर उसके बाद में आता टाइप सी, दैट इज रुबेसियस टाइप, पैरासाइटिक को बोलते हैं अपन, जिसमें सेल्स पैरेलल नेचर की होती है, अपन उसको पैरासाइटिस बोलते हैं। और लास्ट में डी हो गया, दैट इज कैरियोफिलस, जिसको डायसाइटिक बोलते हैं। डायसाइटिक का मतलब होता है क्रॉस सेल्स। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, सारी सेल्स किसकी बात कर रहे हैं, ये कवरिंग सेल्स की बात कर रहे हैं। गार्ड सेल्स जो बीच सबसे पहले वाली, उनको गार्ड सेल्स बोलते हैं, और जो बाहर वाली सेल्स होती है उनको कवरिंग सेल। ये कवरिंग सेल का नेचर कैसा होता है उसी पे डिपेंड करता है इसका नाम किस तरह का होता है। ओके, तो यहाँ पे विनका में कौन सा होता है, क्रूसीफेरस टाइप के स्टोमेटा होता है।
अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, जो इंडोल एल्केलॉइड्स की, जैसा शुरुआत में पढ़ा था उसमें एल्केलॉइड्स होंगे, इंडोल इसमें केमिकल नेचर होगा, केमिकल नेचर का मतलब उसमें रिंग सिस्टम होगा, यदि डाइमेरिक इंडोल होगा तो हम उसको बोलते हैं कैथेरेंथिन एल्केलॉइड्स, और डाइहाइड्रो इंडोल होगा तो उसको बोलते हैं विंडोलिन एल्केलॉइड्स। ये हो गया इसकी दो कैटेगरी। उसके बाद में अपन बात करते हैं ओल्ड नेम और न्यू नेम का। ओल्ड नेम में ध्यान देना, विन कैलो को ब्लास्टिन होता है, जिसको आज के टाइम पे विन ब्लास्टिन बोलते हैं, इसके नाम से जाना जाता है। सिमिलरली ल्यूरोसीन बोलते हैं, जिनको विन ल्यूरोसीन आज के नाम में जाना जाता है। ओल्ड नेम दूसरा क्या है, ल्यूरोसिडीन होता है, जिनको विनरोसिडीन, न्यू नेम हो गया हमारा। और नेक्स्ट है ल्यूरो क्रिस्टीन, जिसका न्यू नेम है विन क्रिस्टीन। इस तरह से हमारे जो नए नाम है, विन ब्लास्टिन, विन ल्यूरोसीन, विन रोसिडीन और विन क्रिस्टीन। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो इंडोल एल्केलॉइड में जैसा अपन ने बताया, विन ब्लास्टीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जिसमें मिथाइल ग्रुप होता है इंडोलिन नाइट्रोजन पे। सिमिलरली विन क्रिस्टीन में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है इंडोलिन नाइट्रोजन पे। वो कैसे होता है, ये है विन ब्लास्टीन और विन क्रिस्टीन। विन ब्लास्टीन पे ये वाला स्ट्रक्चर आ गया, विन ब्लास्टीन और विन क्रिस्टीन का ये वाला स्ट्रक्चर आ गया। ये मीन्स यहाँ पे एक तो यहाँ पे ये रिंग सिस्टम हो गया, जिसको हम बोलते हैं इंडोल। ओके, ये तो हो गया इंडोल, और ये वाला जो पार्ट हो गया इसको बोलते हैं अपन इंडोलीन। क्लियर? कैसे देखना, आप लोग इंडोलीन बोलेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसको, इसलिए हम इंडोल बोल रहे हैं। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडोलीन। क्लियर? तो यहाँ पे इस आर की बात हो रही है, यहाँ पे आर में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मिथाइल ग्रुप होगा तो विन ब्लास्ट क्रिस्टीन हो गया, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप हो गया तो उसको बोलेंगे विन क्रिस्टीन। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें तो इसी इंडोल एल्केलॉइड कैटेगरी में विनरोलेबीन आ गया एक एल्केलॉइड, और दूसरा आ गया विंडेसिन। ये इस तरह से इसके दूसरे एल्केलॉइड्स भी हैं जो एज ए एल्केलॉइड के तौर पे मिलते हैं। किसमें बात कर रहे हैं, विन का, दैट इज पेरीविंकल। क्लियर? फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं अगेन विन ब्लास्टीन और विन क्रिस्टीन जो केमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं, उनको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से इसको सेपरेट करते हैं यूजिंग एल्यूमिना एज ए एडजॉर्बेंट। क्लियर? फिर उसके बाद में बात करते हैं अजमेलिसिन एंड रेसरपीन एल्केलॉइड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, हालांकि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल या दोनों के दोनों एल्केलॉइड राउल्फिया सरपेंटिना में मिलते हैं या उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट भी इसी में मिलते हैं। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसके सब्स्टिट्यूएंट्स की। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब लोअर क्वालिटी की ड्रग्स के लिए किसकी बात कर रहे हैं, कैथेरेंथस रोजियस या विनका एल्केलॉइड जो ये होता है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी होते हैं। दैट इज पहला है हमारा इसका कैथेरेंथस लॉन्गिफिलस, जो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसका मॉर्फोलॉजी होती है। दूसरा कैथेरेंथस ट्राइकोफिलस होता है। दो नंबर का जो डिफरेंट होता है कैथेरेंथस रोजिया से, अगेन कैथेरेंथस लेंसस होता है। जो थर्ड होता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, जो इस तरह के कैथेरेंथस रोजियस के लिए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम करते हैं, लेकिन इसमें देखना डाइमेरिक एल्केलॉइड भी मिलते हैं, लेकिन उस क्वालिटी का या उस कॉन्स्टिट्यूएंट, उस स्टैंडर्ड का एल्केलॉइड नहीं मिलता, इसलिए इनको सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। ये तीन सब्स्टिट्यूएंट है, जी पेट में क्वेश्चन आता है, डीसीओ में क्वेश्चन आता है कि इनका कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपको तीनों याद रखने हैं। क्लियर? फिर उसके बाद में देखिएगा आप लोग इसके यूजेज के बारे में। यूजेज अपन बात करें तो विन ब्लास्टीन एज ए सल्फेट के फॉर्म में यूज होता है, दैट इज इन आईपी। इसका बेसिकली इंजेक्शन आता है, इसको स्टोर करते हैं बिलो 18 डिग्री डीप फ्रीजर में, बिकॉज इट इज अनस्टेबल वन। और इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, अपन बात करूं थोड़ा सा फार्माकोलॉजी की, दैट इज एब्जॉर्प्शन बात करें तो ओरली अनप्रिडिक्टेबल होता है, टोटली अनप्रिडिक्टेबल होता है। और इसका जो क्लीयरेंस होता है,
प्लाज्मा में तो मल्टीफेजी क्लियरेंस होता है, मींस जिगजैग फॉर्म में इसका फॉर्म रहता है इस तरह से, और एक्टिव मेटाबोलाइट बनाता है ये कौन कौन बनाता है, विनब्लास्टिन डैश एसिटाइल विनब्लास्टिन बनाता है, मींस एक एसिटाइल पार्ट उससे रिमूव हो जाता है, उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। यदि हम इसके यूज की बात करें तो विनब्लास्टिन के साथ में ब्लियोमाइसिन एंड सिस्प्लेटिन दिया जाता है जो मेटास्टेटिक टेस्टिकुलर ट्यूमर के में इसको यूज किया जाता है। कीप इन माइंड इट इज द इंपॉर्टेंट यूज फॉर विनब्लास्टीन। ओके, अनदर वन इट इज आल्सो यूज्ड इन द हॉडकिंस डिजीज। अगेन हॉडकिंस डिजीज इज द टाइप ऑफ कैंसर फॉर्म, कैंसर का एक फॉर्म होता है जिसमें मैलिग्नेंट ऑफ स्प्लीन लिम्फ नोड्स एंड लिम्फोइड टिश्यूज में इसको यूज किया जाता है। कीप इन माइंड हम बात कर रहे थे विनब्लास्टीन की। दूसरा आता है हमारा विन क्रिस्टीन सल्फेट के फॉर्म में, अगेन आईपी की बात कर रहे हैं, अगेन सेम प्रॉब्लम है स्टोरेज के साथ में, मींस -18 डिग्री डीप फ्रीजर में इसको स्टोर किया जाता है। अनप्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन है, सेम एज गुड एज विन क्रिस्टीन, मींस ओरली इसका वैसा ही रहता है, सेम इसका मल्टीफेजिक क्लियरेंस रहता है किसमें, प्लाज्मा में। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं इसके यूज की। यूज इन द लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड एक्यूट ल्यूकेमिया स्पेशली इन चिल्ड्रन, बच्चों में इसको यूज किया जाता है और ये विनब्लास्टिन से डिफरेंट है। कीप इन माइंड ये स्पेशली याद करना, अगेन ये जीपेट का क्वेश्चन है, ठीक है, और अगेन इसका स्टोरेज का क्वेश्चन है जीपेट का। क्लियर। इस तरह से यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक एक चीज और बता दू, ये दिस इज द डिफरेंट वन डैश एसिटाइल विनब्लास्टीन एमाइड को हम क्या बोलते हैं, विंडेसिन सल्फेट बोलते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूज। ओके, अब अपन बात करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसकी बात कर रहे हैं, विनका की। इट ब्लॉक्स बेसिकली ब्लॉक बीटा ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन इन सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस में ये इसको क्या करता है, यहाँ पे ब्लॉक करता है बीटा ट्यूबुलिन को। बेसिकली कैंसर क्या होता है, कैंसर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है। यदि हम सेल की डिविजन की बात करें तो ये एक सेल है वो डिफरेंट फेज से डिवाइड होगी, डिवाइड होके जैसे कि ये अपन प्रोफेज की बात करें, प्रोफेज दूसरी मेटाफेज हो गया, मेटाफेज के बाद में तीसरी यहाँ पे टेलोफेज हो गया, टेलोफेज के बाद में यहाँ पे ध्यान देना लास्ट में यहाँ पे इस तरह से ये हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में दो फेज दो सेल्स बन गई, दोनों सेल बन रही है, दोनों सेल में आप देखेंगे कि माइक्रोट्यूबुलिन का यहाँ पे ये माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। माइक्रोट्यूबुलिन किसकी बनी होती है, माइक्रोट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, दोनों कंबाइंड होके माइक्रोट्यूबुल्स बनाती है जो पॉलीमराइजेशन स्टेप के थ्रू बनती है, और इस पॉलीमराइजेशन से अगेन वापस डीपॉलीमराइजेशन से दोनों के दोनों प्रोटीन फ्री हो जाती है। यह प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन विनका एल्केलॉइड क्या करता है, यहाँ पे बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलीमराइजेशन स्टेप इनिबिट हो जाती है। और इस तरह से पॉलीमराइजेशन स्टेप इनिबिट होगी तो माइक्रोट्यूबुल नहीं बनेगा, माइक्रोट्यूबुल नहीं बनेगा तो आप देखना यहाँ पे मेटाफेज में ही ये अरेस्ट हो जाता है, जिसको अपन मेटाफेज अरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि माइक्रोट्यूबुल्स का पॉलीमराइजेशन रुक जाता है। पॉलीमराइजेशन रुक गया तो ये इसी स्टेज पे रुक जाती है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे यहीं पे एक चीज और बता दूं, टैक्सेन और होता है जिसमें टैक्सस होता है, पैक्लिटैक्सल डोसाटैक्सल होता है, वो डीपॉलीमराइजेशन को इनिबिट करता है और विनका पॉलीमराइजेशन को इनिबिट। यहाँ पे एक लास्ट में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर बनता है। फ्रेंड्स यहाँ पे दोबारा याद दिलाना चाहूंगा, यदि आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट को क्लिक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्या करें, प्लेलिस्ट को क्लिक करें, ताकि आपको आराम से उस वीडियो को देख सके। थैंक यू वंस अगेन।